हे नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल पांडा स्टोरीज में कोर। तो ये प्री बर्थडे का मेरा सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो तो आपने देख लिया होगा, मेक श्योर अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी, जिसमें मैंने अपने बालों को रेड कलर किया, बहुत ही सुंदर है। और इसमें मैं अपने फेस को थोड़ा पैम्पर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया है, अभी मैं ये स्क्रब ले रही हूँ, ये एल्प्स गुडनेस का स्क्रब है चारकोल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्लैक हेड्स हो चुके थे और वाइट हेड्स भी थे, इसलिए आप देखोगे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मैं टी जोन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, अपने नोज़ पे वगैरह, क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ऐसे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का अभी लग रहा है, तो मैं उसको अच्छे से करूँगी जिससे वो रिमूव हो जाए, पूरा डर्ट निकल जाए। इसके बाद मैंने लिप्स को भी स्क्रब करूँगी, गुड वाइप्स का कॉफ़ी स्क्रब है। मैं अपने लिप्स को अच्छे से, क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा, जिस वजह से वो चैप लिप्स टाइप है, तो उसको स्क्रब करूँगी जिससे उसके जो डेड स्किन होंगी वो निकल जाएगी और उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी उसके बाद। और आप देख सकते हैं मेरा पहले वीडियो भी है, बहुत लेट मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो प्लान किया था ना वो थोड़ा सा अलग हो चुका है, क्योंकि मेरे जो गिफ्ट्स है वो अभी तक के मेरे पास पहुँचे नहीं है, उस वजह से मैं ये कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा गैप लेके डाल रही हूँ। मैंने सबको वॉश कर लिया है, उसके बाद मैंने ये किल्स रिमूवर की एक पिन है, उससे मैं अपने किल्स को, वाइट हेड्स को निकाल रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर मत देना, नहीं तो वो स्किन को भी हार्म कर सकता है। धीरे 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 आप उसको क्लीन करो, तो अच्छे से वो जो है वो पूरे नहीं निकलते एक अटेम्प्ट में, थोड़े बहुत निकल जाते हैं, आप हमेशा हमेशा करोगे तो निकले। अगेन मैंने उसको क्लीन कर लिया है। और ये जो आप फेस पैक देख रहे हो ना, ये एल्प्स गुडनेस का एक फेशियल किट है चारकोल वाली, डायमंड चारकोल, वो मैंने मेरे भाई के लिए मंगाई थी, अभी पर्पल सेल चालू थी तब, तो उसमें से मैंने ये जो पैक है, मेरे को वैसे भी डेड स्किन वगैरह और मेरे थोड़ी ऑयली स्किन हो चुकी है अपने टी जोन वगैरह, वैसे मेरे ड्राई स्किन है पर पता नहीं क्यों ये वेदर में ऑयली हो चुकी है, फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ। तो मैं ये चारकोल वाला फेस पैक यूज़ करूँ, जिससे वो थोड़ा सा चारकोल जो रहता है वो ऑयल कंट्रोल वगैरह करता है। इसे प्लीज़ आप अपने नेक को भी लगाएं, आप स्क्रब भी नेक पर कीजिए और अपने पैक को भी, जिससे वो हाइड्रेट रहे और थोड़ा क्लीन लगे, जो भी डेड स्किन रहती है वो निकल जाती है, नहीं तो फेस अलग और नेक अलग दिखाई देता है। यहाँ पे मैंने अपने नेल्स को भी थोड़ा सा अच्छे से ग्रूम दिखने के लिए नेल पेंट भी रिमूव कर रही हूँ, जो पहले की है उसको अच्छे से निकाल लिया है। और मैं ये लोकल मार्केट से मैंने ये खरीदी थी नेल पेंट, जो बहुत अच्छी नेल पेंट रखी है, ये थोड़ी मैट है, बहुत ही अच्छा शेड लगता है हाथों पे, ये कैमरे में एक्चुअली जस्टिस नहीं कर रहा था। ये देखो मेरा रेड हेयर बहुत ही सुंदर है। अभी मैं अपने स्किन केयर कर रही हूँ, उसमें मैंने सबसे पहले मामा अर्थ का सीरम लिया है, अपने फेस को अच्छे से अपने मॉइस्चराइज कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ये आई क्रीम ली है, ये mums.co की है, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, उसका जो रोल ऑन है ना वो बहुत ही ठंडा ठंडा लगता है। एक्चुअली काम करता है कि नहीं ये तो मुझे अब तक के पता ही नहीं चल पाया है, पर आप कोई भी आई क्रीम यूज़ किया करो, उससे है मतलब जो अपने आईज़ रहते हैं ना वो थोड़ी अच्छी रहती है, उससे थोड़ी हाइड्रेट रहती है, नहीं तो कैसा आपने इतना सारा मेकअप करते हैं उस पर सब इतनी सारी लेयर हो जाती है। और वो मेरे भांजी को तो देखा है, उसको हर वीडियो में आना रहता है। यहाँ पे मैं ये गुड वाइब्स की रोज़ हिप ऑयल सीरम यूज़ करूँगी, मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ इसको, मैं हाईली रिकमेंडेड करती हूँ आपको ये सीरम यूज़ करने के लिए। ये मैंने बड़ा पैक लिया है इस बार 50 ml का, एक्चुअली ये वे फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा और मैंने पट से ले लिया उसको। अब मैं थोड़ा हल्का हल्का मसाज कर रही हूँ अपने फेस की, जिससे अपने आईज पफ़ी है इसलिए मैं पफ़ी आईज की और थोड़ा सा नेक वगैरह की, जिससे वो अच्छे से अपने मेरा ब्लड सर्कुलेशन है वो हो। यहाँ पे मैं लोटस के लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।